ज्ञानी पृष्ठभूमि के सभी दर्शकों का आज के संगीत स्पेशल में स्वागत है। तो आज हमारे साथ है नेशनल कबड्डी प्लेयर मोनिका। तो आज हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे। छोरों से कम है के दंगल फिल्म के इस डायलॉग को बोलने वाली बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन इस डायलॉग को अपनी जिंदगी में अपनाने वाली मोनिका जैसी बहुत कम लड़कियां हैं। जब मोनिका 10th क्लास में थी तभी इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उसी के साथ इनकी दादी भी सदमे से बीमार हो गई थी और आज तक भी बीमार है। इनकी माँ भी अनपढ़ है, घर पे रहती है, हाउस वाइफ है, इसलिए इनका एक छोटा भाई है, इसलिए इन पर ही सारे घर की जिम्मेदारी है। इन्हें ही बेटा बनकर सारे घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही है, इन्हें ही सारा घर संभालना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ ये अपने खेलों पर भी अच्छी तरह से ध्यान दे रही है। ये एक बेस्ट डिफेंडर के रूप में नेशनल तक खेल चुकी है। आगे की इनके जीवन की कहानी हम इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। मोनिका, सबसे पहले तो मैं आपका ग्रामीण पृष्ठभूमि चैनल में स्वागत करती हूँ। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर परिवार की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, फिर भी आप इतना अच्छा खेलती हो, आपके अंदर खेल के प्रति इंटरेस्ट कब से स्टार्ट हुआ? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गांव में सबसे पहले सिर्फ लड़के ही खेलते थे। स्वर्गीय को सब राजवीर सिंह ने 2015 में लड़कियों को खेलना शुरू करवाया। तब मैं 7th क्लास में थी और तब बहुत ही कम लड़कियाँ खेलने के लिए आती थी। लेकिन तब जैसे ही स्कूली टूर्नामेंट हुआ, हमने ब्लॉक में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, तो कोच साहब ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया और हमारा खेलों की तरफ बहुत पूरा ध्यान चला गया और हम खेलों के लिए अग्रसर हो गए। तभी सभी लड़कियां बहुत अच्छे से मेहनत करने लगी और धीरे धीरे से बहुत अच्छी प्रकार से मेहनत करते गए। कोच साहब ने हमें बहुत मेहनत करवाई और सभी लड़कियाँ जुड़ गई। तब संख्या लगभग 50 के पास पहुंच गई और धीरे धीरे ऐसे करते करते हमने एक साल में स्टेट पोजीशन हासिल की और हम नेशनल लेवल तक खेले। और हमारा आगे भी ये है कि हम नेशनल से भी आगे जाएं और खेलों की तरफ और ज़्यादा ध्यान दें। मोनिका, पहले गांव में सिर्फ लड़के खेल खेला करते थे, अभी तो लड़कियां भी खेलती हैं, लेकिन पहले सिर्फ लड़के खेलते थे। तो आपको मतलब जब आपका खेल में इंटरेस्ट बना, आपकी फैमिली में से आपको मतलब आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने, किसी ने आपको या फिर आस पड़ोस में किसी ने आपको रोका टोका नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, आप मतलब खेलों पे ध्यान मत दो? नहीं, किसी ने नहीं रोका। मम्मी का थोड़ा था, लेकिन पापा ने फुल सपोर्ट किया। वो गेम की तरफ खुद भी पहले खेलते थे, कुछ दिनों तक खेला, लेकिन किसी कारण उन्हें छोड़ना पड़ गया। लेकिन वे मुझे बहुत अच्छा खिलाड़ी बनाना चाहते थे। आप कौन सी क्लास में थे जब आपके पिताजी एक्सपायर हुए? मैं 10th क्लास में थी 2019 में, तब पापा एक्सपायर हुए और तभी हमारी जूनियर चैम्पियनशिप थी स्टेट की, एक महीने बाद ही। तब हम मैं मेंटली रूप से तैयार नहीं थी और हमारे टीम को वहाँ हार का सामना करना पड़ा। मोनिका, दादी जी भी आजकल बीमार रहती हैं, आपके ऊपर फैमिली की भी इतना मतलब टेंशन है, बर्डन है आपके पास फैमिली की, आपके पास ऊपर ही सारी की सारी जिम्मेदारियाँ हैं, आप खेलों के लिए कितना समय निकाल पाते हो? घर पे भी काम करना पड़ता है और दादी जी भी एडमिट है, उसका डिप्रेशन भी माइंड पे रहता है। लेकिन जितना ज़्यादा हो सके मैं ग्राउंड पे जाने की कोशिश करती हूँ। सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं और जितना ज़्यादा हो सके समय ग्राउंड को देते हैं। घर का भी काम, सभी के लिए टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन मैं अपना समय जितना हो सके ग्राउंड को देती हूँ। मोनिका, आपकी लाइफ में दो लोगों का सबसे बड़ा रोल रहा है, एक तो आपके पिताजी का और आपके कोच साहब का। अब वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं है, तो आप उनको कितना मिस करते हो? पहले पापा की डेथ हुई और उसके बाद कोच साहब की, तो अंदर से बहुत टूट गया था, डिप्रेशन बहुत है, उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। पहले पापा ने ही खेलों के लिए मुझे सपोर्ट किया था और कोच साहब ने मुझे आगे बढ़ाया। दोनों का मेरे स्पोर्ट्स में होने में बहुत बड़ा योगदान है, उनकी कमी मेरी लाइफ में कभी पूरी नहीं हो सकती। मोनिका, आप नेशनल तक खेले हो, अभी हाल ही में ही सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई थी जिसमें आपकी टीम ने 3rd पोजीशन हासिल की थी।
आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? 2015 में पहले ब्लॉक लेवल खेले, 2016 में स्टेट खेले, तब सुनाई तो उसमें उत्साह और भी बढ़ गया और फिर नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ। नेशनल में गए मध्य प्रदेश 2017-18 सेशन में अंडर 14 में, वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन आई और फिर लगातार ही 17-18-18-19 दो सेशन में हम अंडर 14 खेले और 18-19 के सेशन में मैंने अंडर 17 का नेशनल खेला जिसमें हमारी फर्स्ट पोजीशन आई। उससे पापा को बहुत खुशी हुई, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्य ने हमारे नज़दीकी शहर कुंडरी से मेरा स्वागत किया। उस समय उत्साह और भी बढ़ गया और ऐसा लगा कि कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ नाम कमाना है, इस नाम को आगे बढ़ाना है और पापा ने भी तभी फुल सपोर्ट किया। और इन अचीवमेंट्स के साथ साथ हमने फिर फेडरेशन में सब जूनियर जूनियर सभी गेम्स खेले। सब जूनियर में हमारा थर्ड पोजीशन आया और अब की बार जूनियर में भी थर्ड पोजीशन आई। सब जूनियर की किसी कारणवश नेशनल नहीं हुई, तब भी नहीं जा पाए, लेकिन आगे कोशिश रहेगी हम और आगे खेलें, नेशनल लेवल से कुछ आगे जाएं। मोनिका, भी हाल ही में हुई सब जूनियर कबड्डी चैम्पियनशिप में हमारे गाँव से 5 लड़कियाँ खेली थी टीम में, तो हम सबको मतलब सब लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बार फर्स्ट आएगी पोजीशन, फिर भी थर्ड पोजीशन आई है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कबड्डी गेम और जॉइंट ग्रुप एफर्ट्स होता है, सभी मिलके खिलाड़ी खेलते हैं, थोड़ी सी चूक होने पर पूरी टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा हुआ लेकिन थोड़ी सी चूक रह गई, इसलिए हम सेमीफाइनल मैच लूज कर गए, इसलिए हमारी थर्ड पोजीशन आई, लेकिन आगे हम एफर्ट करेंगे कि फर्स्ट आएँ और ये थर्ड पोजीशन को हम फर्स्ट पोजीशन तक लेके जाएं। मोनिका, हमारे गांव में बहुत सारी लड़कियां कबड्डी खेलती हैं, तो उनमें से कौन कौन सी लड़कियां स्टेट और नेशनल लेवल तक जा चुकी हैं? लगभग स्टेट लेवल तक तो सभी लड़कियां खेल ली हैं, लेकिन नेशनल तक 15-20 लड़कियां खेल ली हैं। जैसे रितु शीतल ने पिछली बार साई से जूनियर चैम्पियनशिप खेली थी और वो लगभग जो साई सोनीपत साई है जो वहीं पर रहती है, नेहा नीतू ने चंडीगढ़ से नेशनल खेला था और बहुत सारी लड़कियां जैसे शिवानी रितु पिंकी स्कूल नेशनल पे हैं, वो अभी लगभग +1+2 क्लास में, हम सभी ने नेशनल लेवल खेला स्कूल में और जो कॉलेज में उन्होंने यूनिवर्सिटी नेशनल बहुत सारी चीज़ें खेल लिया और लगभग अब जॉब की ओर जैसे रितु शीतल नेहा नीतू ये जॉब की ओर अग्रसर हैं। लगभग इन लड़कियों ने जूनियर में हरियाणा प्रदेश की ओर से अलग साई की ओर से चंडीगढ़ की ओर से अपना परचम लहराया है और बहुत सारी लड़कियां हैं जो आगे भी नेशनल की ओर अग्रसर। मोनिका, पहले तो आपको राजवीर कोच साहब ने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कबड्डी खेल में, उनके साथ साथ आपको और भी कोचेस ने ट्रेनिंग दी है और अभी भी आपको कोच ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो कौन कौन है? राजवीर सर ने हमारा आधार बनाया था कबड्डी का और उसके साथ ही शेरी कोच साहब ने भी उनका साथ दिया था और फिर नरेश सर संजय सर बहुत सारे सर थे जो ग्राउंड पे आते थे, दिलबाग सर प्रैक्टिस करवाते थे, हाल ही में बलदेव सर कृष्ण सर और जो स्वर्गीय कोच साहब हैं उनके लड़के संजय सर जो रेलवे में लगे हैं और उनके ही भाई हैं बिट्टू वो भी रेलवे में हैं, जब वो छुट्टी आते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाने की कोशिश करते हैं, अपना अनुभव बांटते हैं और बलदेव सर हमारे साथ खूब मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम हमारे प्रैक्टिस करवाते हैं, चाहे ग्राउंड का समय 5 बजे हो या 6 बजे हो वे हमसे पहले ग्राउंड पे मिलते हैं और हमारी जी जान लगाकर मेहनत करवाते हैं। अब की बार आपकी +2 हो जाएगी, तो अब आप कबड्डी में अपना फ्यूचर कैसे मतलब बनाना चाहोगे? अब की बार +2 के बाद जैसे आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, अगर आगे कुछ करेंगे लगभग गेम की तरफ ही ज़्यादा ध्यान होगा, जैसे अब तक स्कूल टूर्नामेंट खेलते आए हैं नेशनल लेवल पर, यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया आगे खेलें, कॉलेजों में भी अपना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखें और कबड्डी को अपने फ्यूचर के रूप में देखना चाहती हूँ मैं, अपना फ्यूचर कबड्डी के आधार पर ही बनाना चाहती हूँ जिससे लाइफ में सक्सेस हो जाए और लगभग कबड्डी ही एम है और कबड्डी ही लाइफ का एम है। खेलने के लिए स्टेट से बाहर भी जाना पड़ता है, आपकी फैमिली में आपके साथ जाने वाला कोई भी नहीं था, तो आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी? पहले जब अदर स्टेट खेलने गए बाहर स्टेट से तो ऐसा लगा कि बहुत दूर जा रहे हैं, पहले कभी घर से बाहर ज़्यादा निकले नहीं थे तो
पहले वो झिझक हुई, लेकिन धीरे धीरे गांव की लड़कियां भी साथ थी, वो झिझक दूर होती गई और अभी कोई परेशानी नहीं है। पहले भी कुछ थोड़ी बहुत ही परेशानी आई थी, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया तो परेशानियां दूर होती गई और अब कोई झिझक नहीं है। हम अकेले भी कहीं पर भी जा सकते हैं। आप कबड्डी में ऑफेंस या डिफेंस में से किसको चूज करते हो? मैं कबड्डी में डिफेंस के रूप में कार्य करती हूँ, मैं लेफ्ट कॉर्नर के रूप में खेलती हूँ। आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर ही है, फिर भी आप कबड्डी में एक बेस्ट प्लेयर हो, आप दूसरी लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत सारी लड़कियां जो ये सोचती है कि मैं लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर लड़की कुछ ठान ले तो वो बहुत कुछ कर सकती है। सभी परेशानियों का सामना करते हैं तभी वो इंसान कहलाता है। सभी परेशानियों का सामना करके जो लड़की उभर कर आती है वही निखरती है। लड़कियां भी आज के ज़माने में लड़कों से कम नहीं है। जो लड़कियां खुद को दोष देती हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि लड़की होना कोई पाप नहीं है। अपनी पहचान बनाओ समाज में और अपने गांव का, देश का, सभी का नाम रोशन करो, तभी हम कह सकते हैं कि हम छोरियां छोरों से कम हैं। कि अगर आपकी नज़र में आपके गांव में कोई ऐसा खास चैलेंज है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हम उसकी लाइफ की जर्नी हमारे चैनल पर लोगों के साथ शेयर कर सकें, ताकि लोगों को भी उससे ज़्यादा मोटिवेट हो, लोग उससे लोग ज़्यादा प्रोत्साहित हों